चलो भाई। अरे यार करने ही सही बंदे में। ये देखे भाई, ये रमजान की रौनक है, समोसा का रश है। ये रौनक भाई आपको ईद के बाद जो है वो नहीं मिलेंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज ज़ोहेब भवान, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग, ज़ोहेबी व्लॉग। भाई आज का व्लॉग बहुत डिफरेंट है क्योंकि अभी टाइम हो गया है तकरीबन मेरे ख्याल से 5:20। अभी मैं जाऊंगा असर की नमाज पढ़ने। शेव आपके भाई ने बनवा लिए, बाल आपके भाई ने कटवा लिए। क्यों? क्योंकि भाई चांद रात पे होता है बहुत रश, हड़ा होड़ी और लाइनें लगी हुई होती हैं, तो उस टाइम जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है शेव बनवाना और बाल कटवाना, क्योंकि पूरी रात गुजर जाती है। तो अभी असर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सीन्स क्या है। अच्छा भाई, तो असर की नमाज मैंने पढ़ ली है और मैं आ गया हूँ उस वक्त छत पे और आपको एक सरप्राइज दिखाता हूँ। ये देखें, मेरे कैसी डरी। अभी आगे देखा था, इतनी तेज हवा चली थी, हम लोग डर गए थे। हवा कैसे देखेंगे यार, हवा नजर ही नहीं आती। नहीं, तेज हवा तो चली थी, हमें खुद में चलेगा। हवा को तो फील करते हैं ना। तुम डरी कैसे? आ नहीं डरा, मैं भूत आया। भूत आया? मैं भूत हूँ हैं? भाई आज का जो मौसम है वो बहुत मजे का हो रहा है और सुबह से बहुत क्लाउडी वेदर है और अच्छा लग रहा है। कराची में बहुत कम ऐसा मौसम देखने को मिलता है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो भाई पतंगें पड़ी हुई हैं, तो कोशिश करते हैं आज एक आध पतंग उड़ा लें। अभी कोई नज़र तो नहीं आ रहा आसमान पे जो उड़ा रहा हो, लेकिन हम उड़ाते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, क्या पता जब उड़ाएं तो कोई आ जाए। तो चलें, आ जाए मेरे साथ। देखिए भाई, कराची की सुबह और शाम जो है वो ऐसे गुजरती है सब्जी वालों के साथ, टिन डब्बे वाले के साथ और नाक कान छेदने वाले के साथ, थकने वाले के साथ। अच्छा भाई, ये आ गई हमारी पतंग, ये आ गई हमारी चरखी और ये आ गई सद्दी, इससे हम बांधेंगे कन्ने। तो अभी पतंग उड़ाने ही लगे थे तो नीचे से अम्मा की कॉल आ गई कि भाई आटा दिया है पिसने के लिए, पहले वो ले आओ फिर पतंग वतंग उड़ा लेना। तो अभी हम जा रहे हैं भाई आटा लेने। मेरे साथ मौजूद हैं शेरू और पठानी, एज यूजल कहीं भी मैं जाऊंगा साथ लटकेंगे, अकेले जा नहीं सकता मैं। तो भाई अभी आटा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा भैया, आ गए हम आटा चक्की पे। ये रही वो दुकान, ये भाई हमारा आटा जो आता है हम वो इस दुकान पे देते हैं और यहाँ से पिसवाते हैं। ये मशीन लगी हुई है पीसने वाली, यहाँ से हम पिसाई करवाते हैं बेसिकली अपनी गंदम की। और ये रहा हमारा आटा, अभी कम है क्योंकि हम पहले बनवा चुके हैं। अच्छा भाई, अब शेरू के लिए हमने लेने हैं केले, केले वाले को ढूंढते हैं क्योंकि शेरू जो है वह शौक से बनाना खाता है। अभी भाई केले वाले को ढूंढते हैं। ये मिल गया भाई केले वाला, ये खड़ा हुआ। खान केले कैसे दिए? केला 200 रुपए। 200 रुपए? 300 वाला ये 200 वाला कौन सा? 200 वाला ये। एक दर्जन दे दो यार, साफ सुथरा देना, ये वाला ले लो। आटा भी ले लिए और शेरू के बनाना भी मैंने ले लिए और टाइम हो गया भाई इस वक्त 6:30। अफ्तार का टाइम बहुत करीब है, लग नहीं रहा कि आज पतंग उड़ा पाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। हैदर, आपको घर जाना है? हाँ। कल जाना है? अभी मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? पक्का घर चले? हाँ। घर चले? नहीं। यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि घर की जब बात होती है ना, तो गाड़ी अगर हम हो और हमें घर जाना हो तो कहता है नहीं 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 नहीं। ये देखे भाई, ये रमजान की रौनक है, समोसा का रश है। ये रौनक भाई आपको ईद के बाद जो है वो नहीं मिलेंगी, बस कुछ ही दिन रह गए रमजान खत्म होने में।
बड़ा बाबरकत महीना होता है, बड़ी रौनक होती है, नमाज तरावी, फिर बॉयज का तो सीन ऑन है भाई, नाइट मैचेस अलग हो रहे हैं, सहरियाँ अलग हो रही हैं, इफ्तार अलग हो रहे हैं, बड़ा मजा आता है इस महीने में यार। भाई मेरे पीछे आ रही है इस वक्त एक चुड़ैल जिसका नाम है भाई छत पे आ गए, पतंग नहीं उड़ रही यार आज, कोई कहाँ उड़ रही है, कोई पतंग नहीं उड़ रही, पहले उड़ रही थी, आज कोई पतंग ही नहीं उड़ रही यार, क्या करें, उड़ाए नहीं उड़ाए, उड़ाते उड़ाते यार थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो भाई। अरे यार करने ही नहीं सही बंदे में, ये भाई पतंग उड़ गई हमारी, ये क्या करने वाले भाई आपके भाई ने, गुड्डा भी मरे गए भाई, भारी गुड्डा है, ये देखा खुद ही जा रहा है, खुद ही जा रहा है, आज हवा इतनी तेज है कि पतंग संभाल ही नहीं रही, छोड़ो छोड़ो लाया गिरेगी, और ये डोर जो है ना ऐसी गोली जा रही है आज, ये लो पकड़ो, वो उड़ रही भाई हमारी पतंग, ये येलो लाहौरी, आज हवा बहुत तेज है भाई, नहीं पकड़ो नहीं पकड़ो, ओए ओए ओ पकड़ इसको, पकड़ 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 भाई, अफ्तार में रह गए मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट, तकरीबन 6:40 हो रहे और बस टाइम कम है, पतंग उतारेंगे उसके बाद अफ्तार करेंगे। अच्छा भाई तो एक भूली भटकी पतंग आ गई थी जो कि हमने काट दी है, और वो थी हमारे फैजी भाई की, फैजी भाई जो है वो पीछे ये जहाँ पे मेरी उंगली है ना बिल्कुल इसकी सीट में वो फैजी भाई बैठे हुए, वहाँ से उन्होंने उड़ाई और पेचा डाला और हमने ढील से देना जब शुरू की तो पतंग कट गई। तो भाई अफ्तार का टाइम होने जा रहा है, अफ्तार का टाइम बहुत करीब है, चले भाई सारे बच्चे नीचे, हैदर मूसा इनाया चलो 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 नीचे, अफ्तार का टाइम हो रहा है, भागो 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 भागो। फंस गई, चलो आ जाओ, भाई तो अफ्तार हो गया है और मगरिब की नमाज ही पढ़ ली है, मैं घर आया हूँ तो हैदर ने कहा है कि भाई वाह 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 वाह, वाह का मतलब ये कि भाई मुझे बाहर जाके साइकिल चलानी है, और हैदर जो है इस वक्त साइकिल चला रहा है, ये रहा हैदर, क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, ए चलो 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 चलो, ये देखे भाई मीरब अपने कपड़े जो है ख़ुद प्रेस करती है, कितनी अच्छी बात है ना मीरब, सब बच्चों को करना चाहिए, बोल मैसेज दे दो, एक दे दो मैसेज, सब बच्चों को करना चाहिए क्या, प्रेस अपने कपड़े। ऑलराइट भाई, सो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शेरू, शेरू आपको कार्टून पसंद है, शेरू भाई इस वक्त कार्टून देख रहा है शॉन द शीप, ये देखे ये शॉन द शीप कार्टून आ रहे हैं, ये शेरू के फेवरेट कार्टून है भाई, और बड़े मज़े के कार्टून होते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, आपको पसंद है। ऑलराइट भाई, सो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, इसी तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।